यूपी के शाहजहांपुर में एक बेरहम पति की बेहद ही शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसमें पति ने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपनी पत्नी की धारदार हथियार से नाक काट दी है। महज मामूली कहासुनी के पीछे हुए विवाद के चलते पति हैवान बन गया और उसने पहले तो पत्नी की जमकर पिटाई की और उसके बाद उसकी नाक काट दी। आनन फानन में घायल महिला को उसके परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि दहेज को लेकर पति आए दिन बेटी से मारपीट करता था। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार है, तो पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। घटना थाना तिलहर इलाके के बंधा गौटिया गांव की है। इसी गांव के रहने वाले सोबरन का अपनी पत्नी से विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोबरन ने घर में रखे सब्जी काटने की हसीयत से अपनी पत्नी आरती की नाक काट दी। आरती के पिता का आरोप है कि सोबरन आए दिन उनकी बेटी के साथ मायके से कम दहेज लाने को लेकर मारपीट करता था। दो दिन पहले बेटी ने फोन पर अपने साथ हो रही हैवानियत पिता को बताई, तो बेबस पिता खुद को रोक नहीं सका और बेटी आरती से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। पिता की मां ने तो जब उसके सामने विवाद हुआ तो उसने बीच बचाव की कोशिश की, तो बेटी की ससुराल वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने ही बेटी की पिटाई करने के बाद उसकी नाक काट दी। लड़की को मारा पीटा, इसकी नाक काट दी। सोबरन और संतोष अवधेश जो इनके जेठ हैं, सोबरन इनका पति है और लाला राम इनका जो है ससुर है। और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति सोबरन मौके से फरार हो गया। आनन फानन में आरती के पिता ने घायल बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के अनुसार घायल आरती को जब उसके पिता जिला अस्पताल लेकर आए तो उसकी हालत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब इलाज के बाद आरती की हालत में सुधार है। एक आरती नाम की महिला सुबह दरमियान आई है, जिसका वाइफ ऑफ सोबरन, 20 साल की उम्र है उसकी, और ये बंदा गौटिया की रहने वाली थाना तिलर से, तो वहाँ पर जो है प्राथमिक उपचार इसका वहाँ तिलर सीसी में हुआ था, उसके बाद में रेफर होकर के यहाँ पर आई है। यहाँ पर जो है उसका जो है उपचार कर दिया गया, उसका इलाज शुरू कर दिया, ऑब्जर्वेशन में रखा है। उसकी नाक के बारे में देखा था, नाक थोड़ी सी कटी हुई थी उसकी, और उसका उपचार चालू कर ऑब्जर्वेशन में अपने यहाँ भर्ती करके उसका ऑब्जर्वेशन में रख दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिशन 24x7।